दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दें कि बीसीएससी बोर्ड यानी कि यूजीएमएससी 2023 एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी के तहत आप लोग एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे सेकंड राउंड का, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है बीसीएससी बोर्ड के तहत कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आज से आप लोग का सेकंड राउंड का एडमिशन शुरू कर दिया गया, जिसका आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट किया गया है। यहाँ पर डाउनलोड सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ यूजीएमएससी, ठीक है, तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट भी यह भी निकल कर सामने आया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्ट आप लोगों को मॉपअप नहीं होगा, थर्ड राउंड के लिए डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होगा। चलिए इसकी जानकारी देते हैं, उसके पहले आप लोग मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे अपना सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर। तो चलिए उस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप लोगों का स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस खुलकर स्क्रीन पर आएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो चलिए इस पे वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोगों से यहाँ से यूजीएमएससी का क्या मांगा जाएगा, आप लोगों से आईडी मांगा जाएगा और पासवर्ड जो कि आप लोगों ने डाला था। उसके बाद ये वाला जो सिक्योरिटी पिन है इस वाले सेक्शन में डालकर आप लोग क्या करेंगे, साइनअप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। चलिए अब मैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं आज का पेपर आर्टिकल जिसमें कि दिया गया है बीसीसी बोर्ड मेडिकल में मॉपअप की जगह थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। बीसीसी बोर्ड की तरफ से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में मॉपअप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के स्थान पर थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। इसकी संशोधित विवरण पार्षद की वेबसाइट पर अपलोड है। वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड में आवंटित सीट को रोके रखते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना रिजाइन करना चाहते हैं तो वे 15 से 16 सितंबर शाम 6 बजे तक आवंटित स्थान में जाकर रिजाइन कर सकते हैं। अगर निर्धारित अवधि में किसी कारण रिजाइन नहीं कर पाते हैं तो वे 17 सितंबर को संस्थान में जाकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया और साथ ही साथ आप लोग थर्ड राउंड का काउंसलिंग भी शुरू कर दिया। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बगल में होगा बेल आइकन उस कॉल पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोगों को इस तरह का वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।